व्हाइट हाउस पिंजौर में हरियाणा रेड क्रॉस समिति द्वारा CPR प्रशिक्षण जागरूकता अभियान के तहत लोगों को CPR की जानकारी दी गई। संतराम शर्मा MD व्हाइट हाउस ने बताया कि बीते समय में अचानक साइलेंट अटैक के बाद बेहोश होने से मौत होने के काफी मामले सामने आ चुके हैं। अचानक हार्ट अटैक आने की स्थिति में CPR के माध्यम से मरीज की जान बचाई जा सकती है। CPR प्रशिक्षण जागरूकता अभियान के तहत प्रशिक्षित टीम द्वारा हार्ट अटैक होने पर छाती को कहां पर कैसे व कितने प्रेशर के साथ दबाना चाहिए आदि की जानकारी डेमो के साथ दी गई। इस दौरान नीलिमा, रमेश आदि ने CPR का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर अंकुश शर्मा, सिमरप्रीत सिंह, शेरी आदि भी मौजूद रहे। परिवार में कमाने वाला प्रेशर चला जाए तो उस परिवार की समस्या क्या है उसको पता है अच्छे तरीके से। बाकी तो ठीक है, साथ में हम ले देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेहनत करेंगे करें। और सेकेंडरी चीज़ें हैं तो ये जो चीज़ है, इसमें एक्सीडेंट हो गया, आप एक घंटे में हॉस्पिटल लेके चले गए, बच जाएगा, परंतु उसका सांस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो 10 मिनट की देरी भी उस व्यक्ति को नहीं बचाता है। तो हमारे बीच में हमारे मेरे हमारे ट्रेनर हैं, स्पेशली इन्होंने बाहर से भी ट्रेनिंग ली है, उसका मैं अनुरोध करूँगा मेरे कोशिश। जो आज आपसे देखी बात करने आए हैं, पहली बात तो मेरा पहला कहना यही है कि हमें दिल की बात जरूर करनी चाहिए। जो इंसान हमें दिल की बात नहीं करते, उनके अंदर थोड़ी थोड़ा वो धुआं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर एक दिन हार्ट अटैक का वो कारण बन जाता है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए हमारा दिल है कहाँ, से कुछ अनुभव होगा कहाँ दिल स्लाइटली लेफ्ट होता है, तो इसलिए सेंटर में, सेंटर याद रखना है, दिल हमारा सेंटर में होता है। दो बातें आपसे करने आए हैं, एक होता है हार्ट अटैक हो रहा है, एक होता है हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक हो रहा है तो क्या करना है, हार्ट अटैक हो गया तो क्या करना है, बस दो ही बातें हैं। दिल हमारा पता होगा एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, पता मैडम? 60 से 80 बार, थोड़ा सा अंदाजा रख लो, 60 से 80 बार। छोटे बच्चे का 100 से 150 बार, जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनका 90-100 बार। तो हमें पता होना चाहिए हार्ट हमारा सेंटर में है। अब हार्ट अटैक हो रहा है कैसे पता चलेगा, चेस्ट में पेन होना, जॉ में पेन होना, लेफ्ट आर्म में पेन होना, या हमें बहुत ज्यादा पसीना आना, रंग पीला हो जाना, घबराहट होनी, ये सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक के। अब ये हो रहे हैं तो क्या करेंगे, हो रहे हैं, अभी हार्ट अटैक हुआ नहीं, संभावना है होने की, तो क्या करेंगे? और ये डिस्प्रिन, एस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट कोई भी गोली है, सॉर्बिट्रेट है उसको जीभ के नीचे रख लो, कोई डिस्प्रिन जैसे है उसको चबा के निकल लो, पानी का यूज नहीं करना, चबा के निकल लो उसको ऐसे ही। तो क्या करना है, जब तक आपका डॉक्टर के पास जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, थोड़ा आगे झुक के खड़े हो जाओ, जोर जोर से खांसते रहना, तब तक खांसने से क्या होगा, जैसे हमें खांसी करते हैं ना, गले में कुछ फंस जाता है, खांसी करता है निकल जाता है ना, रेशा वगैरह हो जाती है, ऐसी जो क्लॉट फंस गया वो निकल जाए, कोई और कह रहा है आपका पड़ोसी, घर वाला, कोई रिश्तेदार कि भाई आज बड़ी घबराहट हो रही है, आप देख रहे हो उसका रंग पीला हो गया या उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो उसको ये नहीं कहना कि मैं लेट जाऊं, मैं पानी का गिलास लाया। पानी किसी परिस्थिति में किसी को नहीं पिलाना, ये नहीं कि हम मांग रहे हैं तो भी नहीं पिलाना। ऐसे जो अननोन पर्सन को गिरा पड़ा है, कोई गिर गया, कैसे भी कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पानी का कोई मतलब नहीं होता, या कोई बहुत ज्यादा आपको लगता है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया, तो उसके मुंह में पानी नहीं डालना, क्योंकि दिल तो पहले ही मुश्किल में, उसको और जोर लगाना पड़ेगा, जो जो पानी मुंह में डाल दोगे या वो पी लेगा उसको और जोर लगाना पड़ेगा, उसका जल्दी से फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है, हार्ट फेल हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको तब तक हाफ सीटिंग पोजीशन में बिठाना है। किसको कहते हैं हाफ सीटिंग पोजीशन, आपने पीठ को उसको पीछे सपोर्ट देनी है, जैसे पीठ को थोड़ा पीछे झुका देना है और उसको इस पोजीशन में बिठाना है। अब आप सोचते होंगे भी इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि जेंट्स लोगों के अंदर 5 से 6.5 से 7 लीटर तक ब्लड होता है, एक एवरेज है, कम ज्यादा हो सकता है। लेडीज के अंदर 4 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। मान लो मेरी बॉडी में 6 लीटर ब्लड है, 3 लीटर ब्लड हमारा यहाँ से अपर बॉडी में होता है और 3 लीटर ब्लड हमारा लोअर बॉडी में होता है। जब हम अपने नीज को लॉक कर देते हैं ऐसे, ठीक है, मान लो आपके आगे से बहुत पानी जा रहा है,
बाढ़ आ गई तो आप उस पानी को रोकने के लिए क्या करोगे? कोई आके मिट्टी लगाएंगे, रेत लगाएंगे या कुछ और चीज का बांध लगा देंगे। ऐसी हमने बांध लगा दिया कि ब्लड नीचे को ना जाए, ये ऊपर की तरफ पंप करे। जब ये ऊपर की तरफ पंप करेगा तो क्या होगा? जब एक दो बाल्टी हमारे पास मान लो दो मग पानी के थे, एक बाल्टी पानी की होगी तो क्या होगा? वो जो कूड़ा कट-कट कहीं फंसा हुआ वो निकल जाएगा, है ना? तो फ्लो ऊपर की तरफ पंप करेगा, वो जो हार्ट अटैक, वो जो क्लॉट फंस गया तो वो निकल जाएगा, या फिर पंप डबल होने से उसको मरने नहीं देगा जब तक आप उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते, ठीक है? ये तो तब था जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। अब मैं खड़ी हूँ, हार्ट अटैक होने का पता नहीं चलता क्योंकि हम थोड़ी बहुत दर्द वगैरह महसूस करते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, बंदा बोल रहा है तो गिर गया। अब कैसे देखेंगे बंदा जिंदा है या मर गया? हम या तो हम किसी को नहीं कह सकते कि व्यक्ति मर चुका, एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है कि व्यक्ति की डेथ हो चुकी। तो आप कोई ना कोई उठ के आए जिसको पता थोड़ा कि यहाँ से नब्ज देखते हैं, पल्स देखते हैं ना, जो मैंने बताया कि 60 से 80 हो रही है, कि यहाँ हमारा दिल धक धक ऐसे कर रहा है, आपने देखा नहीं कर रहा तो हम फिर डॉक्टर यहाँ से देखते हैं, यहाँ हमारे कैरेटेड वेन होती है फिर यहाँ से देखते हैं, ये डॉक्टरी लाइन है, हम फर्स्ट एडर हैं। हम बिना ही किसी डॉक्टरी डिग्री के, बिना ही खाली हाथों से व्यक्ति की जान को बचाने में सक्षम होते हैं। ये तभी होते हैं जिन्होंने रेड क्रॉस से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले होती है। इसका 2-2.5 साल 3 साल का प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है करके। वो हमारी तरह जैसे अब हम बोल रहे हैं ऐसे हम बोल के किसी को भी इन चीजों के बारे में बता सकते हैं। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं 6 सेक्टर पंचकूला में गई थी हॉस्पिटल में भी, वहां भी नर्सिंग डिपार्टमेंट हो या इतनी बारीकी में चीजें नहीं पता होती। तो अब हार्ट अटैक हो गया, बंदा गिरा, आपने देखा अभी नस नहीं चल रही, तो हमने क्या करना है? CPR पहले आपने चेक करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है जो आपको पैम्फलेट दिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आपको आधी चीजें समझ आ जाएगी। इस पे लिखा है ABPU, ए का मतलब अलर्ट, खुद भी अलर्ट हो जाना, ऐसे नहीं कि जिसका आप गिरा पड़ा व्यक्ति भाग के उसके पास जाए, कोई बिजली की वायर पड़ी हो सकती है, कोई सांप वगैरह हो सकता है, इसलिए अलर्ट खुद भी होना उसको भी करना है। आपको पता है कुछ नहीं तो उसको क्या हुआ, कुछ नहीं बेटे फोन दे रहा, फिर क्या करना है? ABB वॉइस, उसको आवाज लगानी है, अगर जानते हो तो नाम लेके लगा सकते हो, नहीं उसको वैसे बोल सकते हो भाई साहब क्या हुआ है, बहन जी क्या हुआ। फिर उसका हम पिंच कर सकते हैं थोड़ा, कहीं भी यहाँ कान पे कहीं भी पिंच करके देख सकते हैं कि इसको कुछ महसूस होता नहीं। ये 1 सेकंड में तेजी से करना है काम, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम होता है, 10 सेकंड पहले होते हैं ऐसे जिसमें हम किसी की भी जान को बचा सकते हैं, ठीक है? आपने अगर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, अनरिस्पॉन्सिबल होगी बॉडी को, तब हमने उसको रिस्पांस में लाने के लिए CPR करनी है। CPR इसकी फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। कार्डियो हमारा हार्ट होता है, पल्मोनरी लंग्स, वो रुक गए, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ना मिलने से वो रुक गए, तो हमने उनको कैसे फिर से चलाना है? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, रुक जाएगी तो हम क्या करेंगे? कई बार क्या होता है जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो कचरा स्टार्ट नहीं होती, पेट्रोल डलवाने के बाद भी स्टार्ट नहीं होती, तो फिर क्या कहते हैं मिस्त्री कि वो कचरा आ गया इसकी पाइप में, ताकि वो उसको वहां पे पेट्रोल की वो सप्लाई बंद कर दी इसने, फिर वो सफाई करता है और कचरा निकल जाता है, कार्बन कहते हैं जिसको ना। तभी कहते हैं ना कि पूरी टंकी खाली होने से पहले ही पेट्रोल डलवा लो, ताकि वो कचरा कहीं पाइप में जाके हमें तंग ना करे। यहाँ भी फैट जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, वो हमारी पेट में जो नाड़ी जो हमारी ब्लड की सप्लाई को बाधा देती है, नसों में जम जाती है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए अपना थोड़ा सा दिनचर्या ऐसी रखो कि थोड़ा सा 24 घंटों में 24 मिनट खुद को दो, सैर करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, 24 मिनट उस परमात्मा को जिसने आपकी रक्षा कर दी हर चीज से, बाकी दिन आपका। मेहनत तो बेकार हो जाएगी, कब छोड़ना उसको? या तो उसका हार्ड काम करना शुरू कर दे, आपने देखना उसको थोड़ी देर बाद गर्दन को पीछे किया, सुन के देखना कि सांस आनी शुरू हो गई, आपने उसको CPR देते देते उसका हार्ट काम करने लग गया तो क्या होगा? उसको सांस आनी शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हो उसकी फिंगर हिलने शुरू हो जाती है, जब किसी व्यक्ति में वापस जान आ जाती है, ये पलके हिलने शुरू हो जाती है, उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति जिंदा हो गया, तो हमने उसको रिकवरी पोजिशन में डाल दिया। किसको कहते हैं रिकवरी पोजिशन? करवट लेके लेटने को
रिकवरी पिटीशन कैसे देखने को कहते हैं हम रिकवरी पिटीशन, अगर 2 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का है तो 2 फिंगर से और